अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सटेलाइट सेंटर। तो आज के इस वीडियो में एक ही डिश पे और एक ही एलएनबी पे दो सेटेलाइटों की सेटिंग की है, ठीक है। तो पहले ये देख रहे हैं, डिश साइज 4 फीट है और यूटल 16 ईस्ट और यूरोबर्ड 9 ईस्ट की सेटिंग की है। तो ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं मोनोब्लॉक एलएनबी, ठीक है। तो फिर जिस एलएनबी में ये पाइप लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिसीव हो रही है जी यूटल 16 ईस्ट, और ये जो दूसरी एलएनबी है साइड पे, ठीक है, यहाँ पे रिसीव हो रही है यूरोबर्ड 9 ईस्ट। तो ये दोनों सेटेलाइटें आप एक ही डिश पे, ठीक है, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत आपने सेटिंग देख ली, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की एलएनबी है, क्योंकि आपको पता है कि जो मोनोब्लॉक होती है उनके दरमियान 6 से 7 डिग्री का फ़र्क होता है, जो कि आप 16 ईस्ट, 13 ईस्ट, इसके अलावा 16 और यूरोबर्ड 9 ईस्ट की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा सेटअप बनाया है, बाकी इन दोनों की जो चैनल लिस्ट है, ठीक है, वो टीवी की तरफ लेकर चलता हूँ, तो वहीं पर चेक करवाते हैं फॉरएवर सेवर या सीलन पे ये दोनों सेटेलाइटें वर्किंग है या नहीं। पहले आपको थोड़ी बहुत चैनल लिस्ट चेक कराता हूँ 16 ईस्ट की, ठीक है। तो ये पहले आप देख लें, सिग्नल क्वालिटी 38 तक है और फॉरएवर सर्वर मैंने, ठीक है, लगाई है, चैनल कलर चेंज कर रहे हैं। तो फिर ये जो फ्रिक्वेंसी है 11221 वाली, तो इसके सिग्नल कभी आते हैं कभी नहीं आते, क्योंकि 4 फीट डिश बहुत छोटी है, इसलिए आप 5 फीट लगाएं कंप्लीट जो है ना चैनल आपके पास रिसीव हो जाएंगे 16 ईस्ट के। तो ये थोड़े बहुत मैं आपको चैनल चला कर दिखाता हूँ फॉरएवर सर्वर पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट वर्किंग है, चैनल भी चल रही हैं। और उसके बाद यूरोबर्ड 9 ईस्ट की, ठीक है, जो कि मैंने इकट्ठे सेटिंग की है, तो उसकी थोड़ी बहुत चैनल लिस्ट ये देख लें, नेक टीवी, ठीक है, ये चल रहा है। इसके अलावा फॉरएवर सर्वर भी वर्किंग है कुछ चैनल, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, AFN नेटवर्क वगैरह ये चैनल, ठीक है, चल रहे हैं फॉरएवर पे। तो ये देख रहे हैं जो चैनल कलर चेंज कर रहे हैं वो फॉरएवर पे ओपन है। इसके अलावा ये DMAX HD डिस्कवरी एनिमल प्लैनेट वगैरह, ठीक है, ये सब चैनल वर्किंग है। इसके अलावा डिस्कवरी सेंट्रल यूरोप ये देख लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना वीडियो का, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर।